हमारे लोग जितना सैक्रिफाइस किए तुम्हारे पास एक चूहा भी नहीं। तो अगर आग लगी सर उसको अगर आग लगी इसको भी आग लगता है। राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर्स है, हमने एक मैसेज देना चाहिए कि ये देश की क्षमता, ये देश की ताकत इन सब चीजों से उठकर है। एक मिनट आपको सब एक ही में, क्योंकि ये मामला उस हाउस का रहे तो भी ये दोनों एडजेसेंट बिल्डिंग है उसकी, जब उसको फंक्शनिंग ट्रांजैक्टिंग बिजनेस, अगर आग लगी सर उसको उसको अगर आग लगी इसको भी आग लगता है। वहां एडजस्ट हो गया और आप होम मिनिस्टर आने के बाद एक स्टेटमेंट दिलाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये One second. When Honorable LOP and I see in Mr. Mallika Arjun Kharge beyond the status of LOP, not that he is president of a party, apart from that he has a huge experience. He has seen many things. My appeal to you, sir, is, my appeal to the leader of the opposition is that I have shared the input with the House. I called the director of security. He said they have been apprehended. They are looking into the matter. I have directed. That's why, sir, sufficient information not came. That's why the Lok Sabha adjourned. Sir. Therefore, we request you, sir, kindly adjourn. Let Home Minister come, sir, and let us see what he has to say. Let us see, sir, what leader of the House has to say. One second, sir. बात है जो इंसिडेंट हुआ, लेकिन ऐसे में जो विपक्ष का रवैया है वो मुझे लगता है देश को एक संदेश देने का होना चाहिए कि देश में हम सब प्रभुता के लिए एक साथ खड़े हैं। जो लोकसभा में भी एडजर्न हुआ वो उन्होंने उन्हीं के कारण, उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेने के बदले हाउस चलने नहीं दिया। मैं समझता हूँ राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर्स है, हमने एक मैसेज देना चाहिए कि ये देश की क्षमता, ये देश की ताकत इन सब चीजों से उठकर है और हाउस जरूर चलना चाहिए। हम सब सदस्य हाउस चलने के पक्ष में है और मुझे लगता है कि कांग्रेस इसका पॉलिटिसाइजेशन जो कर रही है ये देश के लिए अच्छा संदेश नहीं होगा। मेरा अनुरोध है माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन से, इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी के लिए वेट करना चाहिए हमें और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चालू। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बाकी बैठिए। यू सी वन सेकेंड, इट इज एन इश्यू वेयर वी शुड डेलिब्रेट इन ऑल सीरियसनेस एंड इन अ कंपोज्ड एटमॉस्फेयर। लीडर ऑफ द हाउस हैज सेड समथिंग, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एवरीवन टू सब्सक्राइब टू इट, देयर कैन बी अदर पॉइंट ऑफ व्यू। ऑनरेबल सर देखो मैं इस सर सर इफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज ऑन लेग्स एंड यू स्टिल विश टू स्पीक सर इस सदन के I would appeal to the honorable members, let us show minimum regard to rules. If leader of the opposition is on his legs, let him alone respond. Sir, I fully believe in his wisdom. No one can question his credentials. So let us hear him in rapt attention and then I will seek response of the treasury benches also. Please, sir. Sir, is sadan ke neta ne kaha कि ये बहुत गंभीर मामला है और अपोजिशन के लोग देश के लिए, यहाँ जिन लोगों का पहले जो शहीद हुए थे उनको तो श्रद्धांजलि सब मिलके ही किए और देश के यूनिटी के लिए और देश के हिफाजत के लिए हम हमेशा तैयार है और हमारे लोग जितना सैक्रिफाइस किए तुम्हारे पास एक चूहा भी नहीं। सर एक 130 करोड़ लोग तैयार हैं। सुने देयर इज नो सोल इन द कंट्री हु इज नॉट रेडी। ये हमको सिखाते हैं 130 करोड़ जनता तैयार है इसके लिए। सिखाते हैं देशभक्ति, ये हमको सिखाते हैं देशभक्ति। ये तो देश के विरोधी लोग हैं। नथिंग विल गो ऑन फॉर नाउ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।